तालियां दादा के सम्मान में। करणी माता की जय। करणी माता की जय। सच में जिंदाबाद हमेशा युवाओं तक याद रहे। दिया जा रहा है हल्दी घाटी में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए सोहन सिंह जी के नेतृत्व में हल्दी घाटी की पूरी टीम राष्ट्र में आ जाए। इन्हें पहनाया जा रहा है जोरदार तालियां भाई जीवन सिंह जी के लिए। सम्मान की इसी क्रम में जगजीत सिंह जी भाणुजा जो हमारी एक इस समाज को आगे ले जाने में हमें ऐसी बनाई है जो 24 घंटे लोगों के लिए हेल्प करने के लिए तैयार रहेगी। ये एक बहुत अच्छा सामाजिक कार्य है जो करणी सेना कर रही है मुंबई द्वारा। और बच्चों के मनोरंजन के लिए इन्होंने क्रिकेट मैच भी कराया और उनको प्रोत्साहन देने के लिए बड़ी बड़ी ट्रॉफियां भी रखी, उसके लिए भी इन्हें बहुत बहुत बधाई। एक अच्छा कार्य जो समाज के लिए किया जाता है, मुझे लगता है उसमें सब लोगों को मिलकर सहयोग करना चाहिए। यूजुअली ऐसा होता है कि हम लोग जो हैं बिखर ज़्यादा जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ ज़्यादा उछालते हैं देन टू उसको प्रोत्साहन देने के लिए। और जब कोई अच्छा कार्य किया जाता है तो हमें सबको मिलकर, समाज में सब लोगों को मिलकर उसको प्रोत्साहन देना चाहिए और उनको सहयोग देना चाहिए। निश्चित तौर पे राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना हमेशा जो है अच्छा काम करती है और निश्चित तौर पे ये मेरा भेंदर शहर जो है कहीं ना कहीं बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम यहाँ होते रहते हैं, उसी के कड़ी में यहाँ भी एक बहुत ही सुंदर प्रोग्राम टूर्नामेंट और यहाँ पे एम्बुलेंस का इन्होंने सेवा दिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष गुड़ामणि जी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, उनका भी मैं सत्कार करता हूँ। निश्चित तौर पे क्षत्रिय राजपूत शब्द जब जुड़ जाता है तो ये तो सेवा और परोपकार के लिए जानी जाती है और निश्चित तौर पे जो है राजपूत समाज हमेशा जो है सेवा के लिए तत्पर पूरे देश में रहता है, रहा है, ये इतिहास रहा है। तो निश्चित तौर पे मैं करणी सेना के सभी पदाधिकारियों को ढेर सारा शुभकामना देता हूँ और इस ओर से मैं कामना करता हूँ कि आपका और भी हौसला बढ़े और आप भी पूरे भारत में सेवा करते रहे। नहीं देखिए, इतिहास का जो काला अध्याय है उसमें एक कश्मीर का घटना था, वो घटना बड़ा दुखदायी था। निश्चित तौर पे उस आज प्रकाश में आया, ऐसी बात नहीं है। कश्मीर का घटना हम लोग जो है कहीं ना कहीं जो है एक जख्म के रूप में हमेशा भारत के हर लोग जानते हैं, हिंदू मुसलमान कोई भी जो है कश्मीर के घटनाओं पे जो है लोग दुखी होते हैं। लेकिन मूवी के माध्यम से जो है उसको लोगों को दिखाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो मूवी है, मूवी को मूवी के तरीके से ही लेना चाहिए जो है। लेकिन जो घटना हुआ था, सत्य घटना, वो बहुत गलत हुआ था। लेकिन मुझे अच्छा तब और लगता जब कश्मीरी ब्राह्मणों को, कश्मीरी पंडितों को वहाँ कश्मीर में ले जाके भारत सरकार स्थापित करती जो है। खाली माहौल बनाना, माहौल मूवी दिखा के। एम्बुलेंस का तो उद्घाटन का जो मेरा काम था, हमारी पूरी टीम की जो बातचीत चल रही थी पिछले 6 महीने से, लेकिन कोविड रिलेटेड जो रिस्ट्रिक्शन थे उसकी वजह से हमने पोस्टपोन किया। ये तो जनवरी में ही एम्बुलेंस समाज को भेंट हो जाती, लेकिन उस टाइम कोविड की वजह से नहीं मिल पाई। एम्बुलेंस का ही विमोचन का कार्यक्रम हम रख रहे थे, लेकिन पूरे युवाओं की मांग थी कि क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाए ताकि कोविड के बाद, कोविड के 2 साल के दरमियान जो युवा मिले नहीं एक दूसरे, तो उसको सबको एक साथ देखने के लिए हमने क्रिकेट टूर्नामेंट का भी आयोजन किया। जोश और जज्बा तो जब समाज में अगर कहीं हम पीड़ा देखते हैं, जो आदमी तड़पता, जब हमको रात को 12 बजे 2 बजे कॉल आता है कि मेरे को ये तकलीफ हो गई और मुझे ये सुविधा नहीं मिल रही है, या फिर रात को कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई किसी भी तरीके से अगर प्रताड़ित होता है, तो हम जब को फ़ोन आता है हम ये भी बाद में दिमाग लगाते हैं कि यह अगर इसके साथ हो रहा है, अगर हमारे साथ हुआ तो क्या हो सकता है। इसलिए हमने ये तय किया, हमारी पूरी राजस्थान जो राजपूतों की जो कमेटी मुंबई में है, हमने ये सोचा कि जितने भी राजपूत मुंबई में है उन सबको करणी सेना में लिया जाए। दूसरा, हमने दादा से अनुमति लेके हमने एक भाईचारा कमेटी का भी निर्माण किया है ताकि दूसरे लोगों को यह लगता है कि करणी सेना सिर्फ राजपूतों की है, तो इसके लिए हमने भाईचारा कमेटी का निर्माण किया है ताकि अदर कास्ट को भी करणी सेना में हम जोड़ा जा सके और हमने जोड़े भी है, क्योंकि एक तरीके से मजबूत संगठन मुंबई में उभरेगा और लोगों को जो हमारी तो सिद्धांत है दादा के, जो
मकसद है, जो मिशन है कि हम किस तरह से लोगों को सपोर्ट कर पाए, किस लोगों को लोगों की सुविधा के लिए हम खड़े रह पाए, क्योंकि हमारा सिद्धांत ही वही है कि लोगों की रक्षा करना और लोगों को जो मदद पहुंचे वो हमें पहुंचाना। जब भी मैंने अगर दादा से या कटार साहब से कभी भी मैंने परमिशन मांगी कि दादा मुझे ये चीज़ करनी है और ये चीज़ लोगों को जरूरत है, तो मुझे कभी भी ना मिला नहीं, सिर्फ वहाँ से हाई शब्द मिलता है। देखिए जिस तरह से करणी सेना की इमेज कि ये तो एक गुंडों की संस्था है, हमेशा हंगामा खड़े करते रहते हैं, उस छवि को लोगों के बारे में बताने के लिए कि करणी सेना सड़कों पे तो तब उतरती है जब हमारे समाज के साथ और जो लोगों के साथ कहीं अन्याय होता है तो सड़कों पे करणी सेना उतरने का काम करती है। लेकिन आज हमने ये एम्बुलेंस, आज दूसरी एम्बुलेंस, इससे पहले भी एक प्रदेश में गुजरात में हम लोग एम्बुलेंस दे चुके हैं और आज दूसरी एम्बुलेंस हम भेंट कर रहे हैं कि जो भी गरीब हो, जिसकी कहीं सुनवाई नहीं होती, जिसका इलाज के लिए उसकी कहीं दुर्घटना में मौत ना हो जाए, उस आदमी को बचाया जा सके, उसके लिए आज करणी सेना ने ये एम्बुलेंस अथॉरिटी को भेंट करें। पूरे बॉम्बे के अंदर ये एम्बुलेंस उपलब्ध रहेगी और यदि कोई गरीब व्यक्ति अपने गांव में वहां से पेशेंट लाने का काम करे जो बॉम्बे से बहुत दूर हो, उसको केवल डीजल और ड्राइवर के खर्चे पे हम लोग ये एम्बुलेंस उन लोगों को उपलब्ध कराएंगे। के लोगों के नहीं, आने वाले समय में पूरे भारत में, अभी तो एक स्टेट चालू हुआ नागपुर और ये मुंबई में हुआ, अभी तो हमारे पास 22 स्टेट है, हर स्टेट में हर शहर तक हम एम्बुलेंस पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे हम भाइयों की, समाज की, छत्तीसी कौम की मदद कर सकते हैं। हमें से 36 कौम ले रहे हैं, 35 कौम ले रहे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला 35 कौम को साथ लेके चलते हैं। ये तो जाति में राजनीतिक पार्टियां बांट रही, समाज का तो हम नेतृत्व तो कर रहे हैं, समाज के लोगों को जो हमारी अनदेखी कर रहे हैं उनको दिखाने के लिए हम समाज को एकजुट करके दिखा रहे हैं। भाई काम तो राजपूत समाज तो आप सिद्धियों से देखते हैं कि राजाओं ने राज किए तो 36 कौम के लिए किए, और अभी भी हम जो काम कर रहे हैं 36 कौम के लिए कर रहे हैं। बहुत जल्दी उसका विमोचन भी होगा, आप लोगों के सब, आप सब भाइयों को हम निमंत्रण देंगे और आपको पार्टी का नाम भी देंगे। हमारी पार्टी लगभग बन चुकी है, बहुत जल्दी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आने वाले समय में, समय को देखते हुए उसी समय हम लॉन्च करेंगे। जिस तरह से आपने जीवन जी को यहाँ पर जब आप लोगों ने चुना होगा एज अध्यक्ष मुंबई, तो क्या लगता है किस तरह से वो अपने कार्यों को लेकर सक्षम तरह से? अब ये तो आप पत्रकार बंधु बताइए, आज का कार्यक्रम देख लीजिए, इससे पहले भी इसने 10 कार्यक्रम दिखाए हैं। बहुत कर्मठ और ईमानदार व्यक्तित्व का धनी है जीवन सिंह, और ये हमारे मुंबई के लिए बहुत उपयुक्त और अच्छा काम कर रहा है। क्या लगता है बीएमसी चुनाव में जब आप आपके चुनाव मैदान में होंगे, क्या सभी सीटों पे आपको कैंडिडेट आपको मिल रहे हैं? देखो हुकुम, कैंडिडेट तो आज सभी जगह तैयार है और करणी सेना का हर गली हर मोहल्ले में व्यक्ति है। हम 36 कौम को लेकर इसलिए चल रहे हैं कि हमारे 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 लेवल पे हर जगह बूथ लेवल तक व्यक्ति है, तो हमें ज़्यादा प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं है। हम तो ईमानदारी के साथ हमारी मांगों के साथ चुनाव लड़ेंगे और जनता की सेवा करेंगे। शोषित पीड़ित गरीब लोग हैं, वो किसी भी समाज के हो, उन सब के लिए ये एम्बुलेंस की व्यवस्था निःशुल्क रहेगी। ये एम्बुलेंस तो दौड़ ही रही है, इसके साथ साथ एक राजपूत सभा भवन के नाम से बनाएंगे, वो भी जो राजस्थान के कोई भी कास्ट के भाई होंगे वो सब के लिए रहेगा। जो बाहर से यहाँ रोजगार के लिए आते हैं या इलाज के लिए आते हैं, उनकी रुकने की जगह के लिए, वो भी सबके लिए रहेगा। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र टीम सब जिलों में टीम बन चुकी है, बढ़िया काम हो रहा है। यहाँ ये माया नगरी है बम्बई, इसमें भी बढ़िया काम हो रहा है और जल्द ही हम और बड़ी कार्यकारिणी यहाँ बनाने जा रहे हैं, वो भी आपके सामने होगी। यहाँ माया नगरी होने के बावजूद किसी को चाय पीने तक का समय नहीं होता, और आप देखते हो हजारों हजारों लोग यहाँ, हजारों हजारों युवा यहाँ, या फिल्म इंडस्ट्री के लोग या राजनीतिक पार्टियों के लोग, आम कार्यकर्ता सब हजारों की तादाद में यहाँ करणी सेना से जुड़े हुए हैं, और जब भी जरूरत पड़ती है वो लोग सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। कोई भी आंदोलन हो या फिर कोई प्रोग्राम हो, उसमें हजारों की तादाद में यहाँ लोग रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ हमारी माताएं बहनें हैं, उनका भी सहयोग पूर्ण रूप से कंधे से कंधा मिला करके बराबर रहता है। सर कुछ महीने बाद इलेक्शन होने वाला है मुंबई में, क्या करणी सेना मैदान में उतरेगी? सर अभी हमने ये डिसीजन किया है इन राजनीतिक पार्टियों को देखते हुए कि करणी सेना को उतरना चाहिए। अभी हमारी राष्ट्रीय कोर कमेटी की जो टीम है उसका जल्दी ही हम डिसीजन लेंगे और देखेंगे कि किसी पार्टी के साथ समझौता करके उतरेंगे या अकेले उतरेंगे, वो आगे में आपको जल्द ही बता दिया जाएगा। कश्मीरी फाइल को लेकर आपने बोला कुछ सवाल, जवाब बोला, क्या कहना चाहते हो उसके बारे में? देखना चाहिए लोगों को, नहीं देखना चाहिए? नहीं, लोगों को देखना चाहिए, देख भी लिया, पर मैं ये कह रहा हूँ
लोग देख रहे हैं, लोगों के दिलों में दुख प्रकट हो रहा है, दबी हुई बात को दोबारा उजागर किया गया है। ये 1990 की बात है, उस समय केंद्र में सरकार बीजेपी की थी, मैं मानता हूँ इस बात को। वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए था, राज्यपाल को भेजने में देरी रही, वहाँ जो आर्मी है उसको समय पर भेजते तो ये कांड वहाँ नहीं घटित होता। और इसके अलावा ये जो फिल्म व्यवसाय कर रही है, लोगों से मांग की जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हैं लोग, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँचाना है, दिखाना है, तो निःशुल्क कर देनी चाहिए थी। पर चार्ज लेके भी देख रहे हो तो इसका 50% मैं तो कहता हूँ जो वहाँ के कश्मीरी जो घर से बेघर हो गए उनको बसाने के लिए, उनको स्थापित करने के लिए 50% रकम ये जो फिल्म की कमाई है उसमें से वहाँ उनको खर्च करनी चाहिए।